खबर कन्नौज से, जहां समाजवादी इत्र पर आयकर विभाग की पड़ी टेढ़ी नजर। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर छापेमारी जारी। सपा एमएलसी ने अखिलेश यादव के साथ लॉन्च किया था समाजवादी इत्र। पीयूष जैन के बाद अब आयकर विभाग की टीम समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पहुंच गई है। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह से कार्रवाई चल रही है। यह छापेमारी कानपुर, कन्नौज, हाथरस और नोएडा के अलावा मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु में भी जारी है। इससे पहले दो गाड़ियों में आयकर विभाग के करीब 6 अधिकारी शुक्रवार सुबह पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी की कोठी और फैक्ट्री पर पहुंचे। पम्मी जैन की कोठी और फैक्ट्री हाथरस के हसायन कोतवाली क्षेत्र स्थित सिकतरा रोड पर स्थित है। कानपुर के एक्सप्रेस रोड स्थित प्रगति अरोमा कॉम्प्लेक्स में भी आयकर विभाग की टीम मौजूद है। एमएलसी के मुंबई स्थित दो ठिकानों पर भी आईटी की छापेमारी चल रही है। इसी के साथ पुष्पराज जैन का नाम सुर्खियों में आ गया है। गौरतलब है कि सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र बांटा था। पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन, जिनके पिता स्वर्गीय सवाई लाल जैन है, 64 साल के पुष्पराज जैन इत्र कारोबारी के साथ साथ दूसरा बिजनेस भी देखते हैं। पुष्पराज जैन कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप के भी मालिक बताए जाते हैं। प्रगति एरोमा, प्रशस्ति एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड, प्रशस्ति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, प्रशस्ति प्रॉपर्टीज रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और लवली फ्रेग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड, ये सब उनकी रजिस्टर्ड फर्म्स हैं। पुष्पराज जैन 2016 में इटावा फर्रुखाबाद से सपा एमएलसी चुने गए थे, जिसका कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म हो रहा है। वो प्रगति एरोमा ऑयल डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहमालिक हैं। उनके पिता ने 1950 में इस बिजनेस की शुरुआत की थी। पुष्पराज जैन का इत्र का बड़ा कारोबार 12 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। साल 2016 में दर्ज चुनावी हलफनामे के अनुसार पुष्पराज और उनके परिवार के पास 37.15 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 10.10 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, सच की तह तक। इत्र के लिए ये राजधानी है, सुगंध की राजधानी है। जिस तरीके से फ्रांस में ग्रास या ग्रासे कहें, वो वहाँ की फ्रेंच कैपिटल, परफ्यूम कैपिटल मानी जाती है। फ्रांस में परफ्यूम कैपिटल अगर है कोई, तो कोई ग्रासे कहता है, कोई ग्रास कहता है, वो एक प्रोनाउंसिएशन है कि इंग्लिश या फ्रेंच जो भी कुछ है। लेकिन फ्रांस में भी एक शहर है से उनका संबंध है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से संबंध बता रहे थे, वो ये बताएं कि आधार क्या है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के देश के होम मिनिस्टर से लेकर के देश के उनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेकर के और छोटे छोटे नेता भी, वो भी यही बात कह रहे थे कि कन्नौज का इत्र व्यापारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब उन्हें पता लग गया है, उनकी बदनामी हो गई दुनिया में, देश में बदनामी हो गई, इसलिए उन्होंने, या जो बड़े बड़े नेता खाद पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, कोई खाद पे भाषण सुना उनका? एबीसीडी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अरे भाई एबीसीडी तो किस क्लास में सिखाई जाती है, बताओ आप, ये बताओ। केजी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं क्या यूपी में? जायद पार्टी पकड़ाई देंगे। इसका मतलब इन्होंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की है, इन्होंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की, इसलिए अब एबीसीडी सीख रहे हैं। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।